भाभी का फोन। हाँ चांदनी, घर पे सब ठीक है? किसी को पता तो नहीं चला? और रेवा जी, वो कैसे? ठीक। हम रेवा जी, आप? हाँ, हाँ। आप ठीक तो हैं? थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। आपसे एक और मदद। हाँ हाँ, आप कहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वो हमारा दोस्त समीर, वो अभी भी पुलिस वालों की हिरासत में है। आपका दोस्त? ये वही लड़का है ना जो आपके साथ? खैर, आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ रेवा जी, हम ये बात किसी से कहेंगे नहीं, भरोसा रखिए हम पर। तुम ये सब जानती थी? हाँ, हम समीर के बारे में पहले ही जान चुके थे। हमने रेवा को पहले भी समीर के साथ देखा है। याद है उस दिन तुम, मनु और हम बाहर मिले थे जब चौबे जी के वहां जाना था। गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, हम बताते हैं। हमारे समझाने के बावजूद भी रेवा तुमसे कह नहीं पाई, वो बस डर गई थी। अर्जुन, वो डर गई थी ना, लेकिन तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, तुम तो आकर हमें बता सकती थी ना, लेकिन तुमने भी ये बात हमसे छुपाई। I'm sorry, I'm literally sorry, अर्जुन। हम जानते हैं हमसे गलती हुई। तुमने ये बात अगर हमें बताई होती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं? हाँ अर्जुन, अर्जुन,